तो दोस्त इस वीडियो में WhatsApp के एक लेटेस्ट फीचर के बारे में बताऊंगा जिसको WhatsApp ने काफ़ी दिन पहले रोल आउट कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको इस फीचर के रिगार्डिंग मालूम ही नहीं है। सो अगर आप एक WhatsApp यूजर है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और जिस फीचर की रिगार्डिंग मैं अभी आपको जानकारी दूंगा इस फीचर को आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करना। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अभी मैं आपको WhatsApp से रिलेटेड दो अपडेट बताऊंगा और ये दोनों के दोनों अपडेट WhatsApp इमोजी से रिलेटेड हैं। सो अगर आप लोग WhatsApp पर इमोजी भेजना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम आप इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी को किसी भी टाइप का इमोजी उसके कमेंट के अकॉर्डिंग आप इमोजी भेजते हैं, तो आप पहले एक ही इमोजी भेज पाते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तभी आप लाइव समझ पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको इमोजी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप किसी को भी इमोजी सेंड करते थे तो इस तरह का इमोजी आपको देखने को मिलता था, काफ़ी सारा इमोजी। तो आप क्या करते थे, किसी एक इमोजी को सेलेक्ट करते थे और जितना छोटा इमोजी यहाँ पर आपको साइज में दिख रहा है उतना ही छोटा आपको यहाँ पर भी होता है सेलेक्ट दिखता था और उसे आप सेंड करते थे। लेकिन अब यही इमोजी आपको बड़ा दिखेगा जिस इमोजी को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसी टाइप के काफ़ी सारे इमोजीज और आपको यहाँ पर दिखेंगे, बशर्ते आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं इस इमोजी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट किया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे इमोजीज आ चुके हैं। अब मैं जिसको चाहूँगा भेज सकता हूँ। वैसे पहले क्या होता था, सिर्फ इसी को हम भेज पाते थे छोटा साइज में, लेकिन अब यही इमोजी देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा साइज में आ जाएगा और अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। ओके, तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से मैं भेज पाऊंगा, यहीं से क्लिक करूंगा और ये सेंड हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन फीचर है WhatsApp की तरफ से हर एक इमोजी यूजर के लिए। ठीक है, जो इमोजी का WhatsApp पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। वहीं पर दूसरा जो फीचर है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं इसका यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे, देखिए मान लो अगर आपको किसी ने किसी भी प्रकार का दुखद या फिर सुखद सुखी भरा कमेंट सेंड किया है, या फिर कोई बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पर आपको उस कमेंट का रिप्लाई देना है। कैसे, रिएक्शन करना है उस कमेंट पर, रिप्लाई नहीं देना है पूरी तरीके से, रिएक्शन करना है। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर जैसे कि कोई कमेंट है, इस पर टैप एंड होल्ड करना है कुछ इस तरीके से और यहां पर आपको देखिए दिख जाएगा। ओके, लाइक का, हार्ट का, रोने का, हंसने का और भी प्रणाम करने का, यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स आपको दिखेंगे और भी प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक ऑप्शन। ठीक है, कोई भी एक स्टिकर वगैरह या फिर यू कहिए इमोजी वगैरह, देखिए यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे वो वहाँ पर चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप कमेंट पर रिएक्शन दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो दोस्त ये दो अपडेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसको यूज करने के बाद आपको ज़्यादा WhatsApp पर टाइम देना नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कमेंट करता है तो उसमें आप तुरंत के तुरंत इस इमोजी के थ्रू रिएक्शन छोड़ सकते हैं, अपना रिप्लाई दे सकते हैं और साथ ही बड़ा बड़ा साइज में आप अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव इमोजी भी सेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों अपडेट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक और शेयर का बटन है, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस फीचर को यूज कर सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।